Very good morning, all of you. How are you? I hope that you will be fine at your home. Right now we are facing the challenges of COVID-19, but we should continue our study for your health. We are going to teach you idiom and phrases. I want to focus about the definition of idiom and phrases. An idiom is a phrase, saying, or a group of words that has not literal, which has become accepted in common usage. An idiom's symbolic sense is quite different from the literal meaning. मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। लोकतिया किसी महान लोगों के जीवन का एक अनुभव होता है जिसे वह लोकतियों के माध्यम से व्यक्त करता है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न idiom एंड phrases. Some idiom and phrases are looking on the blackboard. We are going to learn it one by one. The first is that black and white means in writing, लिखित रूप से, इसका मतलब है black and white का अर्थ हम समझेंगे तो हमें पता लगता है कि इसका हिंदी अर्थ है लिखित रूप से, अंग्रेजी में in writing. इसकी सेंटेंस मेकिंग हमें करना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिससे ब्लैक एंड व्हाइट का सेंस क्लियर आउट हो जाए. तो वाक्य आई कैन फॉरगिव यू इफ यू अपोलाइज इन द ब्लैक एंड व्हाइट, तो सेंटेंस मेकिंग ये हुआ. नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज. फूल्स पैराडाइज मीन्स फूलिश, मूर्खता पूर्ण अभिलाषा. मूर्खतापूर्ण अभिलाषा फूल्स पैराडाइज मीन्स होता है. अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे. तो ब्लैक बोर्ड में सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स हु थिंक्स दैट दे कैन पास द एग्जामिनेशन विदाउट वर्किंग हार्ड लिव इन द फूल्स पैराडाइज. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाक्य बना मूर्खतापूर्ण अभिलाषा फूल्स पैराडाइज के लिए. जो बच्चे ये सोचते हैं कि बिना मेहनत के हम परीक्षा को पास कर सकते हैं, उनकी अभिलाषा मूर्खता परिपूर्ण. हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, कठिन कार्य. यूसेज है द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक. कश्मीर की समस्या को सॉल्व करना, उसके लिए विकल्प निकालना बड़ा ही कठिन कार्य है. ह्यूमन क्राइम मीन्स होता है ग्रेट नॉइज, शोरगुल. दे रैन ह्यूमन क्राइम व्हेन दे सॉ द टेररिस्ट इन द हाउस. जब उन्होंने घर में आतंकवादियों को देखा तो वे शोरगुल मचा दी. तो ये यूसेज है. अगला है इन लिव ऑफ, इन प्लेस ऑफ, स्थान पर. वेरी इंपॉर्टेंट idiom phrase, सुधीर वॉज सेलेक्टेड कैप्टन ऑफ द टीम इन लीव ऑफ सोहन. सोहन के स्थान पर सुधीर को कप्तान चुना गया. कीथ एंड किन रिलेटिव्स. कीथ एंड किन का मतलब रिलेटिव संबंधी. वी मस्ट डिपेंड अपॉन आवर कीथ एंड किन इन आवर डिफिकल्टीज. हम अपनी विपत्तियों में अपने संबंधियों पर हमें आश्रित होना चाहिए. मैडम स्पीच, फर्स्ट स्पीच, प्रथम भाषण. सेंटेंस बना, द न्यू सेक्रेटरी मेड हिज मैडम स्पीच इन द फंक्शन. मैन ऑफ लेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ स्कॉलर, विद्वान.
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एक महान विद्वान। इसके बाद नल एंड अवॉइड मीन्स इन इन इफेक्टिव, प्रभावहीन, जिसका कोई इफेक्ट ना हो, प्रभाव ना हो। वाक्य में ना द जज डिक्लेयर्ड इलेक्शन नल एंड अवॉइड, द जज डिक्लेयर्ड इलेक्शन नल एंड अवॉइड। नीट इन द वर्ड टू डिस्ट्रॉय एट वेरी बिगिनिंग, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। नीप इन द वर्ड, अब आप पढ़ेंगे नीप इन द वर्ड डिस्ट्रॉय एट अ वेरी बिगिनिंग, प्रारंभ में नष्ट कर देना। ऑल द बैड हैबिट्स मस्ट बी नीप इन द वर्ड, सारी बुरी आदतों को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा idiom and phrases का definition, क्या होता है idiom and phrases, किस तरह से बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका और आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हैरान ना हो, घबराए ना, ये इट्स अ वेरी ईजी एंड इट कंटेन्स 3 marks फॉर द बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो यू विल गेट इट वेरी इजली, आई होप इट। एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम द idiom एंड phrases इज वेरी वेरी ईजी गोइंग क्वेश्चन फॉर यू। इफ यू वर्क फॉर दैट यू विल एच यू 3 marks, करेक्ट 3 marks इन द एग्जामिनेशन। आई होप दैट यू विल गेट and you will get all the things of the idiom and phrases. Have a nice day, have a good day. Thank you so much for listening and seeing.